क्वेश्चन में कहा गया है डिटरमाइन द पॉइंट, आप वो पॉइंट ढूंढिए ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x+5y = 90। आप इस लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ बना लीजिए, उस पर एक पॉइंट ढूंढिए जिसका ऑर्डिनेट इज 1.5 times ऑफ इट्स एक्सिस, यानी कि जिसका वाई जो है ना वो उसके एक्स से 1.5 times हो, ज्यादा हो, 1.5 times हो जिसका, करेक्ट। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आप सबसे पहले तो ध्यान देते हैं लीनियर इक्वेशन, करेक्ट। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें आपके पास में वेरिएबल्स हो ना, तो वेरिएबल्स के ऊपर 2, 3, 4, 5 ऐसी कोई पावर्स ना हो, कोई भी पावर ना हो तो 1 तो होता ही है ना, 1 ही होगा उसके ऊपर पावर, यानी कि x की पावर सिर्फ 1 हो, y की पावर सिर्फ 1 हो, ऐसा नहीं कि x की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसा नहीं हो, y की पावर 2, 3, 4, 5, 6 कुछ हो, ऐसा ना हो, तो x की पावर और y की पावर एक ही हो, तो आप उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और इसका नाम लीनियर इक्वेशन इसलिए भी होता है क्योंकि अगर आप इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जब ड्रॉ करते हो, जब आप ग्राफ बनाते हो तो एक सीधी लाइन बनती है, जैसे कि अगर हम यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसे एक सीधी लाइन बन सकती है, या ऐसे एक सीधी लाइन बन सकती है, इसकी अपनी कोई एक सीधी लाइन बनेगी, तो इस इक्वेशन को यूज करके हम ग्राफ पे सीधी लाइन बना सकते हैं, इसीलिए हम ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। इनकी पहचान क्या है कि वेरिएबल के ऊपर कोई पावर्स नहीं लगी होती है, तो 1 power रहती है। अब लीनियर इक्वेशन दिया था और एक पॉइंट पता करना था, हूज ऑर्डिनेट यानी जिसका वाई जो है 1.5 times ऑफ इट्स एक्सिस, यानी कि उसके एक्स से 1.5 times क्वेश्चन पूछा सकता। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन लेते हैं और सॉल्यूशन में हमको कहा गया है, हमको जो इक्वेशन दिया है सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं, 2x+5y = 19, ये हमें गिवन इक्वेशन है। अब हमने देखा ये इक्वेशन, चलो हमें गिवन है, अब कंडीशन पर आते, कंडीशन क्या कहता है, हूज ऑर्डिनेट जिसका वाई 1.5 times इट्स एक्सिस, उसके x से 1.5 times, तो ये तो गिवन था, और साथ में ये भी दिया था y = 1.5 times ऑफ x, ये भी आपको गिवन है। करेक्ट, तो y 1.5 times ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसको जो है बना लेते हैं 1 2 2 और 1 3 3/2, ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है नीचे डिनोमिनेटर छोटा है ना, तो ऐसे इक्वेशंस को हम, ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इंप्रॉपर फ्रैक्शन, तो हमने मिक्स को इंप्रॉपर में यहां कन्वर्ट कर लिया। अब y 3/2x आ गया हमारे पास में, हम इसको क्या करते हैं, इसमें पुट अप कर देते हैं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, हम सेकेंड को फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यहां लिख भी देते हैं, पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए हमने क्या किया, एक बार और देख लेते हैं, जो लीनियर इक्वेशन हमको दिया था वो हमने यहां ले लिया, जो कंडीशन दी थी वो भी हमने यहां ले ली, उसमें कहा गया था हूज ऑर्डिनेट इज 1.5 times इट्स एब्सिसा, तो ऑर्डिनेट होता है वाई और एब्सिसा होता है एक्स, किसी भी कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट होता है वाई और एब्सिसा होता है एक्स, तो हमने वाई और एक्स यहां लिया और साफ साफ लिखा है कि ऑर्डिनेट जो है वाई जो है इज 1.5 times ऑफ एक्सिस, तो इस कंडीशन को भी हमने यहां से पढ़ करके लिख लिया। अब यहां पर वाई इसी को 3/2x हमारे पास में आ गया था, सेकंड इक्वेशन बन गई थी, हम सेकंड को फर्स्ट में पुट करने जा रहे हैं, तो वाई की जगह पे लिखा जाएगा 3/2x फर्स्ट इक्वेशन, एक्स तो एक्स ही रहेगा 5 और y की जगह पे आ जाएगा, अब हमारे पास में आएगा y की जगह पे आएगा, y की ये वैल्यू यहां पर आएगी 3/2x = 19, करेक्ट। तो यहां पर हो गया 2x, 5 3 15x / 2 = 19। अब क्या करते हैं, इसके नीचे मान लेते हैं 1 है, यहां पर हमने अपने आप से लगाया, इसके नीचे 1 मान लिया,
अब हम इसका एलसीएम लेकर के और इन लोगों को ऐड करेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 2 का एलसीएम 2, करेक्ट, 1 और 2 का एलसीएम 2, अब क्या होगा, 1 से हम 2 को डिवाइड करेंगे, देखिए इन दोनों का एलसीएम लेकर के यहां लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से ऊपर इनटू कर देंगे तो ये 2 2 जा 4x हो जाएगा, फिर देखिए 1 और 2 का एलसीएम 2, फिर 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 आया तो 2 से ऊपर इनटू कर देंगे जो कि 4x हो जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 था ना, अब इस 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 से ऊपर इनटू कर देंगे, अब हम यहां पर कर चुके हैं, अब 4+15 क्या हो जाएगा, ठीक है, अब हमने ये लिख ली है, अब 4+15 हो जाएगा 19, x upon 2 is equals to 19, करेक्ट, अब हम 2 को ऊपर और इस 19 को नीचे ले आएंगे, तो यहां पर आप लिख लेते हैं, यहां पर था 19x upon 2 is equals to 19, हमने इसको as it is वहां पर लिख लिया, अब x को निकालना है, तो ये 2 जो है डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो ये x के साथ में मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा, देखो x को 2 डिवाइड कर रहा था तो ये यहां डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर रहा था x के साथ में तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की तरीके से कर लिया, 19 से 19 कैंसिल हो गए, ये 1 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 2, x आपके पास में 2 आ गई, 2 आ गया है, आपको आपको y भी निकाल करके दिखाना है, तो y भी निकाल लेते हैं, अब इस x is equals to 2 को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड, हमने इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है, क्यों करना है, क्योंकि x की वैल्यू 2 आ चुकी है, और x की वैल्यू को जैसे यहां रखेंगे y की वैल्यू इजीली ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है ना, तो y की वैल्यू को निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो यहां पर था y is equals to 3 upon 2 और x की वैल्यू अभी भी हमने 2 निकाला है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y आ जाएगा 3, तो y भी आ गया 3, तो ये आ गया हमारे पास में y is equals to 3, अब हम जो हमें यहां पर हमसे कहा गया था कि आप डिटरमाइन द पॉइंट, तो उस पॉइंट को अब हम डिटरमाइन कर चुके हैं, x उसका है 2 और y है 3, therefore the coordinate of the required point जो हमको point ढूंढने के लिए कहा गया था be 2 and 3, तो आप देख रहे हैं कि जो आपका और जो आपका एब्सिसा है वो 2 है, जो आपका ऑर्डिनेट है वो 3 है, और एब्सिसा से ऑर्डिनेट 1.5 टाइम्स है, अगर आप इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3, तो क्लियर है कि हमने वो पॉइंट ढूंढ करके दिखाया है।